जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जीभ से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें ही याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए। छोटी मोटी टान आकर्षण, सत्संग भजन दोष की निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति प्रीति का अंकुर एवं प्रेम, ये 9 सीढ़ियाँ हैं। इसमें हम तीसरी सीढ़ी पर ही हैं और उस पर भी हम अपना पांव ठीक ढंग से नहीं जमाते, इसलिए हम लोग चौथी सीढ़ी अर्थात सब दोषों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव भजन करना है, खूब ठीक से मन लगाकर श्रवण कीर्तन स्मरण जप का तार निरंतर चले, फिर आगे का काम तो अपने आप सब हो जाएगा। भगवान नाम शुद्ध अवस्था अशुद्ध अवस्था सभी में लेना चाहिए, नहीं तो मनुष्य बीमारी की अवस्था में अशुद्ध रहने से भगवान नाम नहीं लेगा तो सदगति कैसे होगी, सदगति कैसे होगी। बिना विशेष आवश्यकता के बड़े आदमियों से, सरकारी अफसरों से और मान प्रतिष्ठा चाहने वाले पुरुषों से न मिलो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी सच्ची बात सुनना नहीं चाहेंगे, ऐसे लोग तुम्हारी सच्ची बात सुनना नहीं चाहेंगे। प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है। नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती, अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए, नाम जप का त्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो अपनी जीभ को भगवान नाम के उच्चारण में लगाइए। प्रश्न है कि सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो। संतों का यह अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती, इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का उपाय आजकल के लिए एक ही है, भगवत भजन भगवत स्मरण। किंतु मलिन मन भगवत भजन में लग जाए यह भी कठिन है, इसलिए एक ही काम करें, जीभ से ही भगवान का भजन करें, लेते जाएं भगवान का नाम। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा, बिना श्रद्धा बिना प्रेम केवल हठ पूर्वक जीभ को भगवान के नाम के उच्चारण में लगाइए। मन लगे तो अच्छी बात और नहीं लगे तो कोई परवाह नहीं। यदि जीभ ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत पान करे अथवा पैर फिसलकर गिर पड़े अथवा किसी के ढकेल देने पर गिर पड़े अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए, यदि अमृत का संस्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे किसी प्रकार से गिरा हो अमर हो जाएगा, उसी प्रकार श्री भगवान के नाम से संबंध किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, यह सर्वथा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंद में प्रभु के चरणों में ले जाने वाला है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।